रोटरडम नेदरलैंड में हाजिरी का मौका मिला हजरत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब के इनायत व करम से। उनके दोस्त अहबाब यहाँ पर जमा हुए हैं माशाल्लाह। हाजी मोहम्मद नसीर गुमान साहब की इनायत है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज का मौका ऐसा रहा कि हम अस्टरडम में एक मदरसे में गए, फिर डेन हाग में चले गए एक प्रोग्राम में, फिर यहाँ हाजिरी हुई। यहाँ आने में कुछ ताखिर हुई, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो करीम करम फरमा। आप हजरात को इंतज़ार करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूब इलैह। बरअल आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत गौसु ख़ाजा की करामत, आले रसूल की अमानत, मौजज़ा मिन मौजज़ात, سيد المرسلين شيخ الاسلام والمسلمين امير المؤمنين في الحديث امام احمد رضا بريلوي رحمه الله عليه فرمایا ہے یہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا सुनाते जाएंगे दम में जब तक दम ज़िक्रुन का सुनाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आला हज़रत का ये पैगाम है, उनका ये मसलक है, उनका ये जरिया है। वो बता रहे हैं कि दुश्मन रसूल जल भुन जाए, खाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन हमारा क्या काम है कि जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करेंगे। और जब तक दम में दम है, जब तक जिंदगी का सिलसिला चल रहा है, ये दम आ रहा है, ये दम जा रहा है, अल्लाह का बड़ा फलो करम है माशाल्लाह। अल्लाह का एहसान करम है, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और जो जिक्र करेगा वो सिर्फ जिक्र करेगा, और जिक्र करने से उसको माला माल होगा, इज्जत मिलेगी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत मिलेगी। और जो फिक्र करेगा वो सिर्फ फिक्र करने के लिए है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान जिक्र करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और सरकार के करम से जिक्र करो और फिक्र दूर करो। फिक्र करना दूसरों का काम है, हमें तो हुजूर का जिक्र करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बड़ा करम फरमाया कि हम मुसलमान हैं, सुन्नी घरों में पैदा हुए। अल्लाह का बड़ा फजल व करम फरमाया। अल्लाह हुजूर ने करम फरमाया, अगर कुत्ता बिल्ली बना दिया होता लेकिन इंसान बनाया, और इंसानों में मुसलमान बनाया, इंसानों में मुसलमान बनाया। अल्लाह का एहसान व करम है कि उसका बहुत हमें हमेशा तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र क्या है? जिक्र करना चाहिए। जो जिक्र करेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने वक्त दिया, अल्लाह ताला आपके वक्तों में, उम्र में, सेहत में, सलामती में खैर और बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। हमारे हजरत मौलाना अब्दुल शरीफ रशीद साहब ने करम फरमाया, बुलाया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का एहसान और करम है, तो देखिए खुशी हासिल हुई। हाँ, खुशी हासिल हुई कि आप हजरात माशाल्लाह इतनी देर तक बैठे रहे प्रोग्राम शुरू से माशाल्लाह। बहरहाल प्रोग्राम में आपका आना और आपका जमा होना अल्लाह ताला मुबारक फरमाए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे नसीर गुमान साहब पर भी फजल कर फरमाए, इनके बच्चों पर, सब पर, खालिद गुमान सब पर, हाजरीन अहले सुन्नत जितने भी हाजरीन माशाल्लाह सब पर फजल करम फरमाए। और हम बरेली से आए, लिहाजा कहते हम हैं बरेली वाले, 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 हम हैं।
बरेली वाले डरते नहीं किसी से, या गौस कहने वाले डरते नहीं किसी से, या गौस कहने वाले हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, बरेली वाले। आशिक रजा के कब हैं बातिल से दबोने वाले, आशिक रजा के कब हैं बातिल से दबने वाले, हम हैं बरेली 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 वाले। गिरवा के राव मस्जिद आया था जब बरेली, चूमू रजा की चौखट ख्वाहिश थी उसकी दिल की, और भागा खड़े जो देखे लाहौल बढ़ने वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं वाले, हम हैं बरेली वाले, हम बरेली वाले। सैदा है हम रजा के पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह, सैदा है हम रजा के पीछे नहीं हटेंगे, तेरे सवाल का हम डट कर जवाब देंगे, जो सूरमा हो तेरा उसको अभी बुला ले, हम हैं बरेली वाले, है बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, हम बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, करामत है। गिरवा की राव मस्जिद, बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद उसको यह खबर हुई कि लोग मुसलमान नाराज हो गए, सबने कहा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा की मजार, जिससे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, उस मजार पर चलो चादर चढ़ा दो। प्राइम मिनिस्टर आया कि सोचा कि चादर चढ़ा दें, लोग नाराजगी दूर हो जाए। आला हजरत इमाम अली सुंदर ने मुझे बुलाया, मैंने कहा हुजूर करम फरमा रहे, क्यों बुलाया? फरमाया कि पता लगा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर मस्जिद तोड़ने के बाद आ रहा है, सुन्नी मुसलमान बहुत नाराज हैं, अब वो चादर चढ़ाएगा, लोग कहेंगे बरेली भी बिक गई, बरेली भी बिक गई, आला हजरत भी बिक गए, पैसा ले लिया, हुकूमत ताकत ले ली। मैंने कहा हुजूर क्या करना चाहिए? फरमाया कि लाहौल पढ़ो, लाहौल पढ़ने से शैतान भाग जाता है। हमने कहा फिर आला हजरत के मजार से आई आवाज कि जो सुन्नी मुसलमान 60 बार 60 बार लाहौल पड़ेगा, 99 बीमारी उसकी दूर रहेंगी और बड़े बड़े शैतान दूर रहेंगे। आला हजरत ने ऐसा अमल बताया। हमने हुजूर आला हजरत से अर्ज करा कि हमारा एक बहुत बड़ा दार उलूम जामिनूरे रजविया आपके करम से बन रहा है, हमें पैसे की बड़ी जरूरत है, पता लगा है कि करोड़ों देगा तो कुछ पैसा ले लें। आला हजरत ने फरमाया मन्ना ने तेरी रगों में मेरा खून बहता है, तू कहता है कि वो देगा, हम बताते हैं कि कौन देगा। कौन देता है देने को वो चाहिए, कौन देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजा दो को रजा मुझसे दीजिए के है बेकसूर का सहारा, हमारा नबी बेकसूर का सहारा, हमारा नबी आया, दूर आकर बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि मजार शरीफ पर जो लाहौर पड़ रही है, पड़ी जा रही है, वो बंद हो जाए, लोग नमाज और मस्जिद में चले जाएं, ये खाना खाने के लिए भूखे हैं तो चले जाएं, और इंतजार करता रहा कि मेरी तो नाक कट गई, मैं छा बरेली आया कि बरेली वाले ने मेरी नाक काट ली, और मुझे चादर चढ़ाने से भी
दूर रखा और मेरी हुकूमत है, मेरी ताकत है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास इज्जत है। लोग लालच में रहते हैं कि इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसी हुकूमत मिल जाएगी और ऐसी ताकत मिल जाएगी। प्राइम मिनिस्टर में को लाहौर पढ़ने वाले कौन थे? वो थे बरेली वाले। बरेली में, बरेली में यह अमल हुआ। आपका सीना सुनियों का चौड़ा हो गया कि बरेली ऐसा है जो नहीं बिका, जो गौसे आजम के हाथ में बिका है, जो सरकार के हाथ में बिका है, वो किसी के हाथ में नहीं बिका, वो एक बरेली है। लेकिन उसके मुकाबले में दोबंद है। उसके मुकाबले में दोबंद में भी तालीम होती है, कुरान हो रहा है, हदीस हो रही है, पढ़ाई हो रही है, लेकिन दोबंद बरेली में फर्क क्या है? दोबंद में कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ तालीम होती है। लेकिन बरेली में कुरान भी पढ़ाया जाता है, हदीस भी पढ़ाई जाती, तालीम भी दी जाती है, इल्म भी दिया जाता है, इसके रसूल भी दिया जाता है। तो ये इश्क की बात है माशाल्लाह। आप भी इश्क रसूल के लिए जमा हुए, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। तो अल्लाह का एहसान करम है कि बरेली और दोबंद में बहुत फर्क है। अल्लाह का एहसान करम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से मालामाल सुन्नी मुसलमान माशाल्लाह, हुजूर से मोहब्बत करने वाले। सवाल आया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम बड़ा करम फरमाते थे, सवारी से उतर के जमीन पर बैठ जाते थे। जमीन पर जब बैठ जाते थे तो जमीन की मट्टी हुजूर के करम से, हुजूर के कपड़ों से लग जाती थी। दोबंद में सवाल गया कि जब कपड़ा हुजूर का मैला हो जाता है तो मैला कहा जाएगा, कनीक कहा जाएगा? हाँ, तो दोबंदी क्या कहता है कि हाँ, अगर कपड़े में मिट्टी लग गई है, गंदगी लग गई है, मैला हो गया तो उसे मैला ही कहा जाएगा। बरेली शरीफ जब पैगाम आया तो आला हजरत ने कलम उठाया और कहा कि वो दोबंद वाला बेअदब है, बरेली वाला ये कहता है कि अगर हुजूर के कपड़े को मैला कहा जाए कि हुजूर के कपड़ा मैला हो गया तो वो सख्त काफिर है। लेकिन सवाल ये था कि हुजूर के कपड़े में मट्टी तो लग गई है, हुजूर के कपड़े में मट्टी लगी है तो इमाम अहमद रज़ा आप बताइए कि इस मट्टी का क्या मामला है? आपने फरमाया कि हुजूर ने करम फरमाया, जमीन पर बैठ गए, जमीन की मट्टी लग गई। तो ये मत करो, ये मत कहो कि मट्टी लगने से हुजूर का कपड़ा मैला हो गया, बल्कि मट्टी को दामने करम में हिस्सा मिल गया है। हाँ, ये मत कहो कि कपड़ा में हो गया, बल्कि दामने करम में मट्टी ने आकर के हुजूर ने करम फरमाया और दामने करम में ले लिया है। तब सुन्नी मुसलमान जितने भी गुलाम हुजूर के चाहने वाले गुनाहगार हैं, ये मैले हैं, कुचैले हैं, गुनाह में रहते हैं, लेकिन हुजूर करम फरमाएंगे, हमारे ऊपर भी करम फरमा करके हमारे पर बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह हुजूर हमारा बेड़ा पार। आला हजरत इश्क़ मोहब्बत, 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 आला हजरत। अब प्राइम मिनिस्टर आया था, उसकी नाक तो काट ली, पैसे भी नहीं लिए, चादर भी चढ़ने नहीं दी। लोगों ने उसे कहा कि तुम बरेली आए हो, कुछ तो करो कि तुम्हारा पता लगे, यादगार हो गए तुम अभी कभी आए थे। बोले मैं क्या करूं कि बरेली वालों को मैंने ऐसा देखा ईमान वाला कि दुनिया में गया तो सारी दुनिया बिक रही थी, लेकिन बरेली में ऐसा ईमान वाला है ये नहीं बिका है। हाँ, ये पहले लोग देखे कि प्राइम मिनिस्टर को, हुकूमत और वजीर को धक्का दे रहे, लाहौर पढ़ रहे हैं, ये पहले लोग देखे। लोगों ने कहा कि कुछ तो करो, जब आए थे तो बोले हाँ, मैं बरेली के एहतराम में और हुजूर आला हजरत की मोहब्बत में एक काम करता हूँ कि बरेली शरीफ से अजमेर शरीफ एक ट्रेन जाएगी, उस ट्रेन का नाम होगा आला हजरत। हाँ, आज भी ट्रेन माशाल्लाह जो हजरात हमारे नसीर रहमान साहब
खालिद भाई और हमारे सब बुजुर्ग लोग गए हैं, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब भी तशरीफ ले गए, आप हजरात में जो भी गए होंगे, ये ट्रेन जाती है बरेली शरीफ से अजमेर शरीफ, तो बरेली से अजमेर ही क्यों जाती, बम्बई क्यों नहीं जाती और कहीं और चली जाती, कानपुर चली जाती, रामपुर, अजमेर ही क्यों जा रही है बरेली से अजमेर? इसका पता लगा बरेली से अजमेर का एक ताल्लुक है, यहाँ बरेली में आशिक रसूल है, अजमेर में अताए रसूल, वो कहता आशिकों की गाड़ी आ रही है, सवारी आ रही है और आशिकों के डिब्बे सब है, अब बरेली से जब चलोगे तो अजमेर चलो। तो ट्रेन का मामला ये है कि इंजन कहता है, इंजन से आवाज आती है इश्क मोहब्बत, और सारे डिब्बे कहते हैं आला हजरा, इंजन कहता है इश्क मोहब्बत आला हजरा। अब ये ट्रेन गुजर रही है, इलाका कोई सा चला जाए, दूसरा अगर दूसरे लोगों का अकीदा जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते हैं, औलिया कराम को नहीं मानते, ख्वाजा साहब को नहीं मानते, गौसे आजम को नहीं मानते, लेकिन ट्रेन जा रही है तो ये काफी काफी घूम रहे हैं कि कहीं ट्रेन के नीचे ना जाए, भाग रहे हैं इधर उधर इधर उधर, अब वो कह रहा है इश्क मोहब्बत, सारे डिब्बे कहते आला आला, अब डिब्बा है बरेली से जो डिब्बा, उस डिब्बे में अशरफी भी बैठा है, हशमती भी बैठा है, कादरी भी बैठा है, लक्ष्मणी भी बैठा है, सहरवर्दी भी बैठा है, तमाम सुन्नी मुसलमान बैठे हैं, ताजी सरिया भी बैठे हैं, हाशमी मियाँ भी बैठे हैं, मदनी मियाँ भी बैठे हैं, महाराज शरीफ भी बैठा है, कजोशा शरीफ भी बैठा है, और सब के सब मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और कोई ये नहीं कह रहा है कि डिब्बा डिब्बा किसका है, डिब्बा आला हजरत ट्रेन का है, और जो जन्नती मुसलमान सब सरकार के कर्म से पता लगा जो औलिया इकराम में उनमें झगड़े नहीं होते, औलिया इकराम में झगड़ा नहीं होता, झगड़े तो हम लोग करते हैं, हसद करते हैं, झगड़ा करते हैं, जलते हैं एक दूसरे से, सिलसिलों से जलते हैं, लेकिन नहीं जलता है कौन, वो औलिया इकराम नहीं जलते, आला हजरत के जब सरकार आला हजरत ने करम फरमाया तो कछो से शरीर से सैयद आए, सैयद एक आए, हजरत हाजमी मियाँ साहब के वालिद, हजरत मदनी मियाँ साहब के वालिद सैयद साहब आए, और आला हजरत को देखा, इल्म का दरिया है, इश्क का जरिया है, सरकार का जाने वाला है, इमाम अहले सुन्नत है, ये हमारा आला हजरत है, आप कछो से शरीर से जब बरेली आए तो आला हजरत ने गले लगाया, मैंने कहा गया हुजूर की आला ही है, हुजूर का करम आया है, हुजूर ने हमारे पर भेजा है, तो जब आए आला हजरत के करीब तो अल्लाह का एहसान करम है कि दुनिया कहती है मुहद्दिस आजम हिंद, और मुहद्दिस आजम हिंद कहते हैं ये है आला हजरत मुजद्दिद आजम, क्यों, देखो पता लगा कि आला हजरत हो या मुहद्दिस आजम हो, ये वली लोग हैं, नेक नमाजी मुत्तकी लोग हैं, इनमें कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई हसमती है चिश्ती सरकार का चाहने वाला कादरी, इनमें झगड़े नहीं होते, झगड़े तो हम लोग कर लेते हैं, अल्लाह ताला अहले झगड़ा से फसादियों से दूर फरमाए, हम फसादी नहीं है, हम है मिलादी, मिलादी मिलाद वाले, फसाद वाले नहीं, अल्लाह ताला फजल करम है, तो नसीर गुमान के माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है, ये तो ऐसा प्यारा मिल गया है कि जहाँ फसाद है वहाँ पे भी ले जाता है, जहाँ फसाद नहीं वहाँ पे भी ले जाता है, यानी कि आज मैं तीन जगह गया, तो ये क्योंकि देखिए भाई जब मेजबान कहीं ले जाए तब तो जाएगा ना, और गाड़ी ये चलाए, मोटर चलाए, कार ये चलाए, दरवाजा खोने हमसे कहे बैठिए चलिए, फला जगह आपका इंतजार हो रहा है, फला जगह सरकार के जाने वाले, तो हमने क्या हमारा क्या काम है, आला हजरत कहा तेरा क्या काम है, तू जब तब जानता नहीं, तेरा काम घर चलाना थोड़ी है, तेरा काम दुकान चलाना थोड़ी है, तेरा काम फला काम करना थोड़ी है, तेरा काम खेती करना थोड़ी है, मैंने क्या फिर क्या काम है, आपने फरमा काम वो ले लीजिए को जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा दातु पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो
माशाल्लाह रोटे दम है माशाल्लाह। अल्लाह का बदला करम अल्लाह का एहसान हो हम दम में दम और रोटे दम माशाल्लाह। इनका नाक में दम है, नाक में दम भी एक वो है मुहावरा। किनका नाक में दम? हम भाभियों का, दूसरे लोगों का नाक में दम। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोटो दम है, दम में दम इनका नाक में दम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमान मुफ्ती साहब फरमाते अल्लाह ताला इस जमात पर फजल करम फरमाए और मस्जिद भी बन जाए, मदरसा भी बन जाए, मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला सेहत व सलामती भी अता फरमाए, खैर बदकर भी अता फरमाए। मुझे हुक्म हुआ है सरकार आला हजरत की तरफ से कि ऐसे मुफ्ती माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ मौजूद हैं, काम जिनका कर रहे हैं, हम लोगों को इनकी ज़्यारत भी करना चाहिए और इनसे मोहब्बत भी करना चाहिए। लिहाजा जो सिलसिला कादरिया बरकातिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझे खिलाफत अता करी थी, उस खिलाफत को मैं बड़ी मोहब्बत और ख़ुशी के साथ में हज़रत मुफ्ती साहब को सिलसिला आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया की खिलाफत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनके जरिए से मशरक़ आला हज़रत का ओ परचम बुलंद कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे माशाल्लाह, बड़ा सुन्नी मुसलमान खुश हो जाए ये बहुत बड़ा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम खुश हो रहो, कैदो रज़ा से खुश हो ओ खुश, कह दो रज़ा से खुश रहे मुझे रज़ा का सुना, ये है 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 मरहम माशाल्लाह। किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी सुन्नी मुसलमान का, बात दूसरे अकीदे की नहीं हो रही, अपने लोगों की हो रही है। दिल नहीं दुखाओ, किसी के दिल में मोहब्बत डालो, खुशी डालो, इसका हुक्म दिया गया है। इसका हुक्म दिया गया है कि आप दिलों में खुशी डालें। तबस्सुम काफी वजह आखिर का सतून, हुजूर नबी करीम तस्लीम ने इशारा फरमाया कि जो अपने भाई को देख करके मुस्कुरा दे ये भी सदका है। तो हमेशा मुस्कुराते रहो, अब तुम मुस्कुराओगे ना तो तुम्हारा भाई खुश होगा, और जब भाई खुश होगा तो हुजूर भी खुश होंगे कि हमारी हदीस पर अमल हुआ, हमारी सुन्नत पर अमल हुआ, हमारे हदीस पर अमल हुआ। बरेली से मन्नानी ने आके बताया हम लोग खुश होते तो सुन्नी मुसलमान को देख कर के मुस्कुराओ, रंज मत करना, हाँ खुश रहो माशाल्लाह, मुस्कुराओगे इंशाल्लाह तुम्हारा सबका बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितने भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अहमद अख्तर माशाल्लाह अल्लाह 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 ताला इनके शहजादे हैं अहमद अख्तर साहब, अल्लाह ताला उन पर भी फजल करम फरमाए। और बेटा के पास माशाल्लाह सनदे हैं मौजूद हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला मुझे नाम दे दीजिएगा तो मैं इन लोगों की सनद बना दूंगा इंशाल्लाह ताला कि ये माशाल्लाह अल्लाह फजल करम से मसलक के आला हजरत और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बड़े सिपाही हैं, काम करने वाले हैं माशाल्लाह। और बड़ी खुशी होगी कि हमें सरकार के ऐसे चाहने वाले गुलामों से उनकी ज्यारत भी हो और उनके काम करने के अंदाज़ को हम लोग अच्छा कहें। अल्लाह फजलो जो अच्छा है वह अच्छुम रहता है, हाँ एक बात सुनिए, जो अच्छा है वह अच्छुम रहता है, अच्छों की बात सुनता है, अच्छी अच्छी बात को फैलाता है। अच्छों में रहो, अच्छी बात सुनो, अच्छों अच्छा तरीके पे अमल करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माशाल्लाह माशाल्लाह।